मोदी कैबिनेट में अमित शाह को फिर से इस बार गृह मंत्रालय दिया गया है और राजनाथ सिंह को फिर रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं नितिन गडकरी की बात करें तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय उन्हें इस बार फिर मिला है। उनके साथ इस मंत्रालय के दो राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो वहीं बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला था, लेकिन अब ये मंत्रालय टीडीपी के खाते में जा चुका है। टीडीपी सांसद राममोहन नायडू को नई मोदी कैबिनेट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। तो वहीं बात करें, पहली बार शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूरसंचार मंत्रालय, डॉक्टर वीरेंद्र खटिक को सामाजिक न्याय विभाग, राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास विभाग, केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके जनजातीय मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश से 5 केंद्रीय मंत्रियों को विभाग मिल चुका है। देखा जाए तो इस बार की मोदी की नई कैबिनेट में मध्य प्रदेश का दबदबा साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की सभी 29 की 29 सीटें जीती हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान सिंधिया जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि मध्य प्रदेश का दबदबा मंत्रालय में रहेगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आगे कुछ और नया आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। हमारे चैनल खबर विभाग को हर तरीके की न्यूज़ पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।